हुआ चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि निकली है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जी हाँ दोस्तों, एम्स में यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है जो कि दोस्तों निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के थ्रू, BECIL के थ्रू यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अगर आप 12वीं पास है, मेल है, फीमेल है, फ्रेशर्स है, किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है वो निकली है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है दोस्तों कि आप 12th पास होने चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होएगा जिसमें कि दोस्तों जो आपकी स्पीड मांगी गई है वो मांगी गई है 8000 की डिप्रेशन पर आवर की। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 27 साल तक की। जो यहाँ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी 28,600 रुपए। नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर निकली है दोस्तों वो निकली है 5। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की जो यहाँ पर निकली है वो निकली है दोस्तों लैब टेक्नीशियन की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है दोस्तों कि आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। जो यहाँ पर दोस्तों आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है 21 साल से लेकर 30 साल तक की। जो यहाँ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी दोस्तों 30,100 रुपए। बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की जो निकली है वो निकली है दोस्तों 6। ध्यान रखिएगा दोस्तों इससे अलग यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस, कोई और क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों बड़ी ध्यान से फिल कीजिएगा, उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल वैलिड डालिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों 885 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के पे करने होंगे। और दोस्तों अगर आप कोई और पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उसके बाद आपको 590 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं STSC के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पे करने हैं 531 रुपये, और अगर आप एक और पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको एडिशनल चार्ज देने होंगे 354 रुपये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट की। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त 2023। जी हाँ दोस्तों 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आप BECIL की वेबसाइट को रेगुलर गो थ्रू कर सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर दोस्तों शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टेलीफोनिकली या ईमेल के जरिए पता लगेगा कि उनको इंटरव्यू के लिए कब जाना है और कहां पर जाना है। इसीलिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल वैलिड डालिएगा। दोस्तों एडवर्टीजमेंट का लिंक दोस्तों आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट को दोस्तों अपने आप गो थ्रू जरूर करिएगा। जो ये वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों वो आउट हुई है एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में। जी हाँ दोस्तों एम्स वेस्ट बंगाल कल्याणी में ये वैकेंसी आउट हुई है। दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों के लिए यहाँ पर निकला है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।